नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। बहुत दुखद घड़ी है। मैं जठली गांव में हूं और वहां पे हूं जहां पे अंतिम मौत हुई थी, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहां पे उनकी लाश जल रही है और यहां सारे उनके परिजन यहां हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए आए हैं। आपको पता है कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं हुई है, गोलीबारी हुई थी, उसमें उनकी मौत हुई है। क्या कुछ घटना घटी थी, हमारे साथ उनके परिजन हैं। हालांकि यह समय नहीं है इस तरह की बातें करने की, लेकिन ये इनकी ही बातें सामने आनी चाहिए कि आखिर इनकी गलती क्या थी, किस वजह से बेवजह इनकी जान चली गई, ये भी समझना ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी था कि बात ही बात में गोली चल जाना और बेवजह लोगों की जान चली जाए। इस पर इतना बवाल हुआ, घर जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई। इसके पीछे इनका जो दर्द है, हम इस दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे कैसे घटना हुई थी? घटना स्थल पर गाड़ी लगा हुआ था, सिर्फ गाड़ी हटाने के ही बात हुआ था, दूसरा गाड़ी निकालना था और ड्राइवर से बोला गया कि बाबू गाड़ी साइड कर लो, लेकिन वो दमंग आदमी का ड्राइवर है तो गाड़ी हटाया नहीं और उल्टा पुल्टा लैंग्वेज बोलने लगा, इधर से गाली गलौज करने लगा। तो इधर से भी आदमी बोला कि भाई तुम गाली गलौज क्या कर रहे हो, गाड़ी तुमको हटाना है कि नहीं हटाना है, तो नहीं हटाएंगे। उसके बाद वो ड्राइवर चला गया रमेश के यहाँ और रमेश को बुला के लाया। रमेश दो तीन भाई से आया और मारने लगा। जो लड़का था बिट्टू कुमार नाम है उसका, हाथ से मारने लगा, बंदूक लिए हुए था, बंदूक के रस्सी से कुंदा से मारने लगा और दो फायर भी किया। उसके बाद वो चला गया। फिर यहाँ आदमी कुछ पहुँचा ऐसा स्थिति देख करके, तो प्रशासन भी आ गया। जो विनोद कुमार यादव नहीं, उसके पहले दो गोली चलाई था, दो ही गोली, हाँ दो गोली चलाया था, आसमानी चलाया था, बगल में आदमी के बगल में दो गोली चलाया था। उसके बाद चला गया वो, और उसके बाद वो सब जा करके मीटिंग कर लिया कि जे आज फिर गोली चलाना है। उस समय 15 से 20 मिनट के बाद थाना प्रभारी आ गया। कौन था थाना प्रभारी? था विनोद यादव, था नदी थाने का। और वो आकर हम लोग भी पहुंचे तो हम लोग को समझाया कि झगड़ा लड़ाई मत कीजिए। तो उसके बाद चला गया वो, और उसके बाद वो सब जा करके मीटिंग कर लिया कि जे आज फिर गोली चलाना है। उस समय 15 से 20 मिनट के बाद थाना प्रभारी आ गया। कौन था? थाना प्रभारी था विनोद यादव, था नदी थाने का। और वो आकर हम लोग भी पहुंचे तो हम लोग को समझाया कि झगड़ा लड़ाई मत कीजिए, होना नहीं चाहिए। हम लोग भी कहें कि झगड़ा लड़ाई अच्छा चीज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। जो हम लोग ठीक है अपने जगह पर हैं, उनको भी जाकर समझा बुझा के अपने जगह पर भेज दीजिए। हम लोग के समझा दें, हम लोग का आदमी कुछ था जो चले गया अपना गोतिया में, जो भी था कुछ चले गया, कुछ वहाँ पे खारा थे, कुछ खारा थे वहाँ पे घर के पास खारा थे। उसके बाद जब विनोद यादव उनको समझाने गया तो समझा कर उनको लौटा रहा था, तभी उधर से उमेश राय आया और बोला कि नहीं नहीं मादा चुके मारो गोली, और वो लगातार फायर करना चालू कर दिया, जो कि थाना के सामने ये घटना स्थल हुआ। थाना कितने पुलिस बल थे, उस समय थे विनोद यादव हैं जो थाना प्रभारी, उनका पूरा टीम था, करीब मोटा मोटी 20 पुलिस वाले थे उनके साथ में, दो जिप्सी आया था, तभी उनके सामने ही गोली चलने लगा। उसके बाद फिर तुरंत प्रशासन की टीम बहुत ज़्यादा उतर गई, करीब 100 से कम नहीं था, फिर भी उसके सामने गोली चल रहा था। और पुलिस का उन लोगों को डर नहीं था? नहीं, डर नहीं था। और पुलिस प्रशासन जो है विनोद कुमार, वो अच्छा खासा पैसा खाया था इसलिए कुछ नहीं कर पाया, उन लोग के और मदद किया निकलने के लिए। अब वो निकाल दिए गंगा किनारे के इधर से, इसलिए कि रोड की तरफ से पूरा ग्रामीण वासी सब छेक लिया था कि उनको भागने नहीं देना है, लेकिन प्रशासन जब पूरा 200 से 250 हो गए तो प्रशासन उधर रोकने में लगा दिया और इधर विनोद यादव उनको निकालने में लग गए इधर गंगा के किनारे।
उनको जहाज से निकाल दे या नाव से निकाल दे, गंगा पार करा दिए। 25 निकाले इनकी जान कैसे गई? इनकी गोल, वो गोली चलाने लगा लगातार, उमेश राय और उनके भाई बच्चा यादव, राम प्रवेश और रमेश, और एक है सतीश और एक है राजेश जो डॉक्टर है, वो भी गोली चलाने लगा। हाँ, वो भी उसका भाई है, डॉक्टर है, जो कि सरकारी डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो गोली चला रहा था। तो कहीं पे क्लिनिक है या अस्पताल है? नहीं, वो पीएमसीएच के पास अस्पताल में वो सरकारी नौकरी करते हैं। उमेश राय और उनके भाई बच्चा यादव, राम प्रवेश और रमेश, और एक है सतीश और एक है राजेश जो डॉक्टर है, वो भी गोली चलाने लगा। हाँ, वो भी उसका भाई है, डॉक्टर है, जो कि सरकारी डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो गोली चला रहा था। तो कहीं पे क्लिनिक है या अस्पताल है? नहीं, वो पीएमसीएच के पास अस्पताल में वो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी डॉक्टर है, विकलांग का, और तो गोली सब चला रहे थे, छो भाई और एक दो भी था उनका चचेरा भाई। इनको कहाँ गोली लगी? इनको तो गोली लगा है तीन गो, इनको गोली लगा है पेट में, दो गो पेट में था, तो एक फेफड़ा में गोली लगी, या फिर इनको करके लगा? नहीं, जान बूझ कर वो अंधा धुरनी तो दम गोली आदमी पर चलाने लगा पूरा, जैसे ढेला आदमी कैसे बरसाता है आदमी पर मारने लगता है, उस तरीके से गोली वो चलाने लगा, और एक गोली जो लगा गिरा उसके पास, उसको जाके के दो दो गोली मारा। आप उसमें तो वहाँ पे थे? हम थे तो हम लोग तो झगड़ा करने के इसी में नहीं थे, गोली चल रहा है मतलब तो हम लोग भागे, मतलब कि आपके आंख के सामने में सब? हाँ, आंख के सामने में हुआ। पुलिस तमाशबीन बन के देखते? पुलिस तो जब गोली अंधाधुंध चलने लगा उनके सामने, उसके बाद जब इधर से ग्रामीण जब लोग दौड़ने लगे तो प्रशासन उनको छोड़ के वो अपने भागने लगे, उनको क्या पकड़ेगा। मोटा पैसा लेकर के वो उनको बहुत बड़ा हेल्प किया है, उनको भगाने में, गोली चलवाने में। गिरफ्तारी कोई कोई बोलता है कि 6-7 आदमी गिरफ्तार है, लेकिन अभी तक कोई कोई खबर नहीं है कि कहाँ गिरफ्तार हुआ तो है कहाँ। इधर का यादव? अच्छा, वो बता रहे हैं कि किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है, नाम कुछ पता है? हाँ, नाम है, बोल रहे हैं कि बच्चा यादव गिरफ्तार हुआ है, उनका दो लड़का है, एक भतीजा है, एक बॉडीगार्ड है, और बच्चा नाम तो उसका बच्चा का क्या है दोनों का? अमन नाम है, अमन है, रितु है, रितु है, राहुल है, बच्चा यादव है, और एक उसका बॉडीगार्ड है सरदार जी, क्या नाम है, बलवंत सिंह वो है, और एक और कौन है, वही सब है, यही 4-5-6 आदमी का नाम बता रहा है, लेकिन इसका कोई अभी तक पुष्टि नहीं है कि कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है, खाली बोल रहा है कि 6-7 आदमी को अरेस्ट किए हैं, और वो अरेस्ट फरेस्ट कुछ नहीं हुआ। हाँ, और इधर का लड़का का प्रशासन 12-13 आदमी को उठा करके दनियामा थाना में ले जा करके रखे हुए है कि जे हम छोड़ देंगे, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है और उल्टा ही केस बना रहा है इधर, कि इसका कोई अभी तक पुष्टि नहीं है कि कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है, खाली बोल रहा है कि 6-7 आदमी को अरेस्ट किए हैं और वो अरेस्ट फरेस्ट कुछ नहीं हुआ। हाँ, और इधर का लड़का का प्रशासन 12-13 आदमी को उठा करके दनियामा थाना में ले जा करके रखे हुए है कि जे हम छोड़ देंगे, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है और उल्टा ही केस बना रहा है इधर, कि कुछ ऐसा आदमी है जो बरजोरी अपने ही घर में आग लगा करके, और वो बोल रहा है कि जो नहीं आग लगाया है यहाँ का ऐसी जिससे झगड़ा चल रहा है वो लगाया है, और आग लगा रहा है कुछ उसी का आदमी। किस तरह की बातें सामने में आ रही हैं या दिख रहा है? परिजनों का कहना है कि उस तरफ से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी कहाँ हुई है, कहाँ पे रखा गया है, इस बात का क्या प्रमाण है, ये अब तक सिर्फ हवा में चल रहा है। वहाँ पे हम अपने सहयोगी से चाहेंगे वो दिखाएं कि उनका उनकी लाश जल रही है, जिसको के लिए के इसी में आराम से ये उनकी लाश जल रही है, अंतिम मौत। और हम बात करेंगे, एक चीज़ बताइए, आप कौन हैं? बोलिए, हम बताते हैं। पूछिए ना। अच्छा, आप कौन हैं? हम उनका जो मरे उनका भतीजा हूँ मैं।
अच्छा ऐसी बताइए कि अब तो मामला शांति हो गया है या फिर अभी तो सर अभी डर है या नहीं? डर तो बिल्कुल अभी बना हुआ है सब पे, कि अचानक कभी भी लोग आके फिर भी मार सकता है। पुलिस कैंप कर रही है लेकिन पुलिस कैंप के पता नहीं कि पुलिस कब तक रहेगा, जो इसका कोई संभावना ही नहीं। किस तरह का डर है? डर है सर मारने पीटने का कि आएगा फिर मार के चला जाएगा। 1000 आदमी जो बोला है कि मारेंगे, कहे बोले एंटी है भी क्या कहना? स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है यहाँ पे, क्योंकि देख लिए अचानक देख रहे माहौल से आप आए रास्ते की ओर पे एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, सब बिल्कुल डर के मारे सब घर में घुसा हुआ है। अच्छा उसमें जिसमें घटना घटी थी उसमें आप कहाँ थे? हम भी वहीं पे थे। क्या कुछ देखे? देखे अचानक कि पार्किंग के लिए पहले गाड़ी निकालने के लिए जगह हुआ, ठीक है, तो जगह तो हो गया, तो मार एक भाई का मेरा छोटा भाई को मारा पीटा, उसके बाद शांत का मामला आया बच्चू तो भी फायरिंग भी किया, उसके बाद भी चला गया, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं बोले। हम लोग के आदमी गया थाना में लिखाने रिपोर्ट उपोर्ट लिखा के आने से पहले शिकायत करने के लिए कि हम पे ऐसा ऐसा जुल्म किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आया प्रशासन, हम लोग के बोला कि आप लोग चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चले गए, घर के पास ही बैठे हुए थे, और प्रशासन 112 बोलता है जो नदी थाना दोनों के सामने ही यहाँ पे पुलिस उमेश राय, बच्चू राय, सतीश राय, ये लोग सब मिल के जुट के साथ थे। थाना पुलिस के सामने गोली चलाया, अचानक सबको गोली मार रहा था जो पांच। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस देख रही थी उनके साथ में, तो रुक नहीं रही थी पुलिस। पुलिस उनसे किस लिए रुकेंगे? पुलिस उनसे पैसा खा रखे थे तो उनके पीछे ठाड़ा होकर गोली चला। पुलिस उनसे पैसा खा रखे थे किस लिए रोकते? पुलिस खुद सामने रख के गोली चलवा रहे, आदमी जो मर गया उसको भी मार के, फिर मरला के बाद भी उसको गोली मार के ऊपर से लाठी मार रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। वो कौन है? वो हमारे चाचा जी हुआ। तो नहीं रहिएगा तो उनके छोड़िए ना। अच्छा वो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं। अच्छा अच्छा और कोई आदमी बात करें जो उसमें मौजूद हो? उसमें चाचा आप थे क्या उस समय? मैं गाड़ी पर और कोई आदमी? हाँ साहिल कुमार। अच्छा जिसमें घटना हो रही थी उसमें कहाँ थे आप? घटना जिसमें घट रही थी ना उसमें पहला दिन जो बिट्टू कुमार और उनके पिताजी से जो झड़प हो गई थी, उसके बाद हम लोग नदी थाना चले गए थे शिकायत दर्ज करने के लिए। और शिकायत मतलब उनको कह रहे थे, कह के ही आने वाले थे। उसी दौरान जो वहाँ के बड़े बाबू हुए शायद जेठली आए, तो उनके सामने ही गोली बंदूक फिर उसके बाद होने लगा। हम लोग को न्यूज मिला तो FIR छोड़ कर ही हम लोग यहाँ जेठली आ गए दोबारा। जो यहाँ पे परिजन है उनका कहना है कि लगातार गोलीबारी चल रही थी, पुलिस मौन थी वहाँ पे। इनका आरोप है कि पुलिस ने पैसे लेकर उनके सपोर्ट में काम किया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि आखिर पुलिस होती क्यों है? पुलिस हमारी रक्षा करती है, लेकिन पुलिस के सामने फायरिंग हो रही है, इसके बावजूद भी वो लोग मान नहीं रहे हैं। आगजनी हुई, गोलीबारी हुई और अब तक में 3 मौतें हो चुकी है। हालांकि पुलिस यहाँ पे कैंप कर रही है। चौथा मौत अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन लोगों के दिलों में, लोगों के आंखों में अब तक डर कायम है। इनके दिलों में दहशत है इस बात का कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार कहीं घटना ना हो जाए। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ। सर फिलहाल अभी क्या स्थिति है? स्थिति देख रहे हैं पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं से आज तो कुछ नहीं हुआ है, शांतिपूर्ण है। सर क्या आप ही जब से कैंप यहाँ पे पुलिस कर रही है क्या कुछ पाया? क्या अभी भी कुछ आशंका है कि इस तरह की घटना हो सकती है? नहीं नहीं कोई आशंका नहीं, पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ पे जो पुलिस बल लगाए गए हैं कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? अभी तो यहाँ पे अब जांच होगा, अभी तो कार्रवाई हुई, अब FSL की टीम आएगी, अन्य तरह का वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा किया जाएगा, उसके लिए पुलिस बल यहाँ रहेगी, पुलिस अनुसंधान का कार्य करेगी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कुछ बाकी है वो भी कार्रवाई की जाएगी। आप शुरू से यहाँ पे रहेंगे घटना के समय से ही, क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ?
घटना तो बस वो दो पक्षों में विवाद हुआ, गोलीबारी हुई, कुछ लोग जख्मी हुए, अस्पताल गए, उसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोग आक्रोशित हुए, वो उनका घर जला दिए, बस यही घटना है। चेतनानंद झा मेरा नाम हुआ, दीदारगंज से जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूँ आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। अभी मैं घटनास्थल पे हूँ और यहाँ पर मैंने लोगों से जानने की कोशिश की कि जो तीन दिन से लगातार ये आग जल रही है, आगजनी, गोलीबारी, मौत का जो मंजर है वो अब कब थमेगा, इस बात की पड़ताल करने के लिए जब हम वहाँ पर पहुँचे तो लोगों के दिलों में इतना डर था कि लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि मैं आपके सामने कुछ नहीं कर सकता हूँ। यानी हालांकि नुकसान तो दोनों तरफ से हुआ है, किसी का जान का नुकसान हुआ, किसी का माल का नुकसान हुआ, नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। यह डर है और यह डर यह बता रही है कि कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है मौत का वो कहीं आगे भी ना कायम हो या वो लगातार आगे ना बढ़ रहे, क्योंकि अमर उजाला की पड़ताल में हमने यह जानने की कोशिश किया कि आखिर ये जो आग है ये कब थमेगी, क्या कोई रास्ता निकलेगा ताकि ये दोनों तरफ की जो आग लगी है, मौतें हुई हैं, ये अब बंद हो जाए, शांति की स्थापना यहाँ हो। इस बात की पड़ताल मैंने करने की कोशिश की, लगभग मैंने 25 लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन 25 में से एक भी वो लोग नहीं मिले जो इस घटना के बारे में बोल सके या फिर जो इस बात को कह सके कि नहीं, ये जो जिस तरह की हिंसा हुई है, जिस तरह की आगजनी हुई है, जिस तरह से मौतें हुई है, वो अब थम जाए। यह डर है और यह डर ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो आग अभी भी कहीं ना कहीं सीने में जल रही है और उसका नुकसान शायद अभी भी होना बाकी है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।